सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को और क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब नाम से ही समझ में आ रहा है ये किसके बीच में होगा? आयन्स के बीच में। आयन्स के बीच में बनने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? आयोनिक बॉन्ड। अब आयन्स भी पढ़ा चुकी हूं मैं आपको, है ना, बताया था ना कब बनता है आयन। आयन कब बनता है? जब कौन इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है? एटम। जरूर थोड़ा ना मेटल हो, नॉन मेटल नहीं करता बेचारा कुछ भी है। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है और उस चार्ज स्पीशीज को ही हम क्या बोलते हैं? आयन, राइट। तो अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव आ रहा है उसके अंदर, तो कौन सा आयन बनेगा? उस पर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और उसको क्या बोलेंगे? एनायन। अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, नेगेटिव निकाल रहा है वो, तो उस पर कौन सा चार्ज आ चुका होगा? पॉजिटिव, और उसको क्या बोलेंगे? कैटायन। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो माइनस वन का चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो माइनस टू का आएगा, वैसे ही अगर एक लूज करता है तो प्लस वन का आएगा, दो लूज करता है तो प्लस टू का आएगा। इस तरीके से चार्ज आ चुका होगा तो या तो वो नेगेटिव आयन बनेगा या वो पॉजिटिव आयन बनेगा। अब ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं बॉन्ड की यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो जब हम बोल रहे हैं आयनिक बॉन्ड, इट मीन्स आयनिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, बोलो, टू आयन्स, नहीं, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। तो दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोला गया है? आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इज दिस क्लियर? तो सपोज आपके पास ए है, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? ए प्लस में। स्टेबल होने के लिए इसको जरूरत थी, इसने निकाल दिया, ये ए प्लस में कन्वर्ट हो गया। दूसरी तरफ बी था जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, इस इलेक्ट्रॉन को बी ने गेन कर लिया, राइट, क्या बना? बी माइनस, क्योंकि ये एक दूसरे की वजह से स्टेबल हुए हैं। अगर बी नहीं होता तो ए लूज नहीं कर पाता, अगर कोई एक्सेप्टर नहीं है तो डोनेशन नहीं होगा, अगर कोई देने वाला नहीं होगा तो ये गेन कहाँ से करेगा। तो क्योंकि एक दूसरे की वजह से स्टेबल हुए हैं, ये को एग्जिस्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, कौन सा? आयोनिक बॉन्ड। और ये कंपाउंड बना लेंगे ए प्लस बी माइनस, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड कैसा होगा? न्यूट्रल, इसलिए हम सिंपली उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? ए बी। पर ए बी का मतलब ये नहीं है कि ए एटम और बी एटम, ए बी का मतलब है ए पॉजिटिव आयन और बी नेगेटिव आयन। सॉरी, क्या ये पॉइंट आ रहा है समझ में सबको? ठीक है, एक दो एग्जांपल लें। सबसे कॉमन NaCl है ना, सबसे कॉमन क्या आता है? NaCl। सोडियम का कॉन्फिगरेशन क्या है? लास्ट में आता है 3s1। पहले क्या आ रहा है? नियॉन का आ रहा है ना, तो इसको नियॉन जैसा ही बनना है। नियॉन जैसा बनने के लिए इसको अपना ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, राइट? तो इसका मतलब सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na प्लस में। दूसरी तरफ कौन था? क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा कैसे? नियॉन है, हाँ, 3s2 3p5। अब ये नियॉन जैसा तो नहीं बनेगा क्योंकि उसके लिए तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, पर इसके आगे जो आर्गन है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, ये उसकी तरह बहुत इजीली बन सकता है अगर ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है,
इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- माइनस में। ये बन गया नियॉन की तरह स्टेबल, ये बन गया आर्गन की तरह स्टेबल। यस, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कंपाउंड बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। इज द पॉइंट क्लियर टू यू? ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप कैल्शियम क्लोरीन का एग्जाम्पल ले सकते हो, देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। सब में एक होगा कि एक डोनेट कर रहा है, यूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इसने एक लूज किया है तो ऐसा ही इससे कंबाइन हो सकता है जो एक गेन करे, ये जरूरी नहीं है। इसका कॉम्बिनेशन आप ऑक्सीजन के साथ भी बिठा सकते थे, इजंट इट? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन। इतना स्लो क्यों तुम लोग कॉन्फिगरेशन बोलने? इसके पहले हीलियम आ चुका होगा, 1s2 तो यहां आ गया, आगे क्या आएगा, 2s2, 2p6, 4 है ना, 2p4। अभी क्या है, इसके आउटर मोस्ट में 6। अभी हीलियम जैसा तो ऑब्वियसली नहीं बन सकता, 6 लूज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये 2 गेन करके नियॉन जैसा जरूर बन सकता है। तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। लेकिन सोडियम ने तो एक ही लूज किया है, तो जरूरी थोड़ा ना वो एक ही सोडियम से बॉन्ड बनाए, वो 2 सोडियम से बॉन्ड बना सकता है। तो 2 सोडियम यहां पर इन्वॉल्व होंगे, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 सोडियम इन्वॉल्व होंगे तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, Na2, और एक ऑक्सीजन ले रहा है तो Na2O। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? द बेसिक लाइन इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है, एक लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है। उस कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स बन रहे हैं। बॉन्ड कौन सा बन रहा है, आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? श्योर? ठीक है, अब जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, जैसे इसने 2 गेन किए, सोडियम ने 1 लूज किया, क्लोरीन ने 1 गेन किया, फ्लोरीन होता तो 1 गेन करता, तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है एटम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो नंबर उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। राइट, वैलेंसी बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, तो ये वाली वैलेंसी कौन सी बोली जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने में या आयनिक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, वो नंबर उस एटम की, उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो जैसे सोडियम की पूछी जाए तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, बिकॉज इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है ना, मैग्नीशियम की पूछेंगे तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो 2। आ रही बात सुन में? यस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम, क्या करने के लिए, फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टेबल तो ठीक है, पर स्टेबल किस तरीके से हो रहा है, आयनिक बॉन्ड बनाकर हो रहा है ना, तभी तो इलेक्ट्रोवैलेंसी टर्म। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो यही टर्म क्या हो जाएगा, कोवेलेंसी है ना, तो यहां पर क्या टर्म यूज होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। तो फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे हैं, वो नंबर उसका क्या हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? मेरे नए बच्चों को समझ में आ रहा है? श्योर? और पुरानों को ऐसा तो नहीं लग रहा, तुम्हें नए आ गए तो मैम हमें भूल गई ऐसा लग रहा है? अच्छा कुछ भी सीपीपी मिल चुकी है आप लोगों को? अभी करते हैं डिस्कस।
चले आगे। यस, अब थोड़ा और बात करते हैं फॉर्मेशन की, आयनिक बॉन्ड के, और इसके प्रोसेस को समझते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होगा, है ना। इसका प्रोसेस कैसे होगा, हालांकि मैं काफी कुछ बता चुकी हूँ, इसका प्रोसेस कैसे होगा। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वहां से शुरुआत होगी। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम जो है उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। हो गया प्रोसेस खत्म। फिर जो आयन बने हैं उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही तो बॉन्ड है। अगर आयन बनकर रह गए एंड देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ऑब्वियसली देर विल बी नो बॉन्ड। तो स्टेप्स तो हालांकि इसमें पांच रहेंगे, पर तीन बेसिक स्टेप हैं। पहला, एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कैटायन बना, उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम ने गेन किया, एनायन बना, और जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बने हैं उनके बीच में क्या डेवलप होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब कोई भी काम करने के लिए, चाहे लेना हो, चाहे देना हो, चाहे अट्रैक्ट होना है, एनर्जी हमेशा इन्वॉल्व होगी। यस, तो इसमें तीन बेसिक एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। यानी अगर आयनिक बॉन्ड के प्रोसेस को समझे, या ये कब फेवर होगा, किसमें आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा, किसमें धीरे बनेगा, किसमें ज़्यादा फेवरेबल है, किसमें कम फेवरेबल है, अगर इस चीज़ को समझे तो यहाँ पर तीन एनर्जीज इन्वॉल्व हो रही हैं। सोच के बताओ। पहली, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन, नए बच्चों का तो पता नहीं, अगर पुराने को मुंह नहीं खोले ना फिर देख लेना, अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एनर्जी रिलीज होती है या रिक्वायर्ड होती है? हैं, रिलीज होती है, रिक्वायर्ड होती है? आपको समझाना पड़ेगा अपना आंसर। रिलीज होती है, रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड होती है। क्यों? अपन को नहीं चाहिए वो, उसको लूज करना है, अपन को क्या करना है उसको गेन करके। तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है? वो तो स्टेबल होने के लिए कर रहा है ना, ये वो तो अपनी खुशी से कर रहा है, वो करना चाहता है, ये वो तो ये चाहता है करना। भाई अगर सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम तो बहुत खुश होगा ना इलेक्ट्रॉन लूज करके, उसको दुख थोड़ा ना होगा। तो रिक्वायर्ड क्यों होगी एनर्जी? वो तो खुशी खुशी करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है। हाँ, जेड इफेक्टिव, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने नहीं देगा, और ये उसके हाथ में भी नहीं है। वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव के फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक नहीं सकता। तो अगर आप एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करे और वो बाहर निकल जाए। कौन सी एनर्जी होती है ये? आयोनाइजेशन एनर्जी। और एनर्जी का ही थर्मोडायनेमिक टर्म क्या है? एंथैल्पी, ये भी बता चुकी हूँ, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझाने की जरूरत तो नहीं है, इसे बहुत डिटेल में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड, ये कभी भी रिलीज नहीं हो सकती। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है या रिक्वायर्ड? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, अब मेरे नए बच्चे जवाब देंगे इसका, देख कितना आता है। वो एक तो दूसरे के पीछे से छुप गया। हाँ बताओ, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है या रिक्वायर्ड? ग्यारहवीं पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो, याद नहीं आ रहा, सोच के बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा, रिलीज होगी या रिक्वायर्ड? यस, अगर एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है,
लेकिन एक के बाद अगर दूसरा गेन हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा गेन हो रहा है, तो रिक्वायर्ड होगी, ये भी अपन समझ चुके हैं। और एनर्जी को क्या बोल, इस वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इसका दूसरा टर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो फैक्टर चल रहा है वो कौन सा फैक्टर चल रहा है, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये कहा जब ये क्या होगी, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी रिक्वायर्ड भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे। अगर एक ही गेन हो रहे हैं तो हमेशा रिलीज होगी, अगर दो तीन गेन हो रहे हैं तो रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, रिलीज है रिक्वायर्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन। और अब तीसरे में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, और अब दोनों के बीच में क्या चलेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप सोच के बताओ, ये जो तीसरा स्टेप होगा इसमें एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड, ये नहीं पढ़ा, ये तो दोनों पढ़ रखे थे। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, पॉजिटिव आयन बन गया कैटायन फर्स्ट स्टेप में, नेगेटिव आयन बन गया सेकेंड स्टेप में, अब दोनों के बीच में चलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड, रिलीज होगी या रिक्वायर्ड। क्यों रिलीज होगी, बिकॉज देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, जहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन है वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। चीजों को कनेक्ट करो, यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बॉन्ड मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब डिक्रीज इन एनर्जी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो डिक्रीज इन एनर्जी। रिलेट करो ना चीजों को, बॉन्ड बन रहा है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है यानी स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी का मतलब एनर्जी कम हो रही यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी कम हो रही। तो जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वहां पर एनर्जी कम होगी, अगर कहीं फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है तो वहां पर एक तो स्टेबिलिटी भी नहीं होगी क्योंकि एनर्जी ज्यादा हो रही होगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? तो जो तीसरा स्टेप होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में फोर्स ऑफ, बोलो कोई डाउट है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, याद तो तुम ऐसे करो जैसे तुम्हें पता हो, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। कुछ याद आ रहा है बचपन का, कौन सी एनर्जी आ जाएगी, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। अब एक चीज समझो, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है ना, लैटिस एंथैल्पी, सवाल सुनना, लैटिस एंथैल्पी में पूछूं रिलीज होती है या रिक्वायर्ड होती है, ध्यान से समझना इस चीज को। अभी मैंने पूछा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड, तुमने बोला रिलीज होगी, बात बिल्कुल सही है, हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। अब मैं तुमसे पूछ रही हूं लैटिस एंथैल्पी विल बी एनर्जी रिलीज्ड और इट विल बी एनर्जी रिक्वायर्ड, दोनों हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। देखो सुनो समझो, ये तो दोनों तुम्हें बहुत डिटेल में आते हैं ऑलरेडी, जिनके चैप्टर छूट गए उनके चैप्टर अपन कंप्लीट करवाएंगे, तो घबराना नहीं है ना, बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो ये दोनों पढ़ चुके हैं, इसको आगे समझाने की जरूरत नहीं है, ये वाला एक नया टर्म है इसको समझते हैं। ठीक है, लैटिस का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी, लैटिस का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस सुना है ना, है ना, जो सॉलिड होता है जब उसका क्रिस्टल बनता है, जब वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें पार्टिकल्स की एक परफेक्ट पोजिशन है कि भाई ये यहां होगा ये यहां होगा, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है, उस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लैटिस। ठीक है, जैसे चीनी का दाना देखा है कैसा होता है, क्यूबॉइडल जैसा होता है ना, वो उसका लैटिस है, क्रिस्टल है, शुगर क्रिस्टल बोलते हैं ना, आइस क्रिस्टल्स बोलते हैं क्योंकि आइस की भी शेप एक परफेक्ट शेप है, इससे पहले कि वो मेल्ट ना हो, मेल्ट होकर तो फिर वो अलग चीज है, पानी बन गया, स्टेट चेंज हो गई है ना। तो अगर कोई थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो उस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर उस सॉलिड को क्या बोलेंगे, लैटिस, के भाई इसका लैटिस है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलेंगे तो सॉलिड बनेगा ना, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और कंपाउंड बनेगा तो वो कंपाउंड कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, पढ़ा है ना नाइन्थ में, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा
कम होता है, गैस में और भी कम होता है. यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, कम ज़्यादा या मीडियम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है ना, कुलम्बिक फोर्स, राइट? दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, K1Q2/r². तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या चल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी बहुत स्ट्रांग. तो बनने वाला जो आयनिक कंपाउंड है वो हमेशा कैसा होगा, सॉलिड, कभी भी लिक्विड या गैस नहीं होगा. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सॉलिड बन रहा है यानी उसका क्या बन रहा है, लैटिस बन रहा है. तो उस लैटिस के बनने में, ध्यान से समझना इस चीज को, उस लैटिस के यानी उस आयनिक कंपाउंड के बनने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हमने क्या बोला, लैटिस एंथैल्पी. एक एक चीज में थोड़ा धीरे इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ एक एक वर्ड पर आप ध्यान दो और क्या करना है, पिक्चर बनानी है. ए प्लस बी माइनस, इस स्टेप में क्या हो रहा है, ए प्लस मिल रहा है किससे, बी माइनस से, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं एक सॉलिड में यानी लैटिस में. क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज, एनर्जी ज्यादा नहीं, एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज, और इसी रिलीज्ड एनर्जी को हमने क्या बोला है, लैटिस एंथैल्पी. तो क्या यहां से मैं डेफिनेशन ऐसे बना सकती हूं कि लैटिस एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयनिक कंपाउंड इज बीइंग फॉर्मड. हालांकि उसमें हम क्या बोलते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्मड, वो अभी मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगी, सिर्फ कंसेप्ट समझो. तो मैं बोल सकती हूँ लैटिस एंथैल्पी वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है जब कंपाउंड बन रहा है, क्योंकि कंपाउंड किससे बन रहा है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्लियर? अब मैं इसका उल्टा कर रही हूं, अब मैं इस प्रोसेस का उल्टा कर रही हूं. मैंने ए बी बनाया था, अब मुझे उसको डिसॉल्व करना है, मुझे उसको तोड़ना है, यानी मुझे ए प्लस और बी माइनस को अलग करना है. तो अब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि मैं उनको अलग करना चाहती हूं और वो तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जबरदस्ती अलग हो पाएंगे ना. यस, तो अब मैं उनको एनर्जी दे रही होंगी. क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ ए प्लस अलग हो जाए और बी माइनस अलग हो जाए. यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी, रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को भी हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या दे रखी है. क्या वो बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड? अगर वो बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड तो आप बोलोगे एनर्जी रिलीज्ड. वो कह रहा है नहीं जी, NaCl को आपको डिसॉल्व करना है, उसका हाइड्रेशन करना है, उसका उसको सोल्यूबल बनाना है वाटर में, यानी उसको तोड़ना है, तो आप बोलोगे क्या करेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड. टर्म सेम यूज होगा, लैटिस एंथैल्पी, कंफ्यूज मत होना. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन बोल रही हूँ, समझने की कोशिश करना, फिर लिखवाऊंगी. क्या मैं ये बोल सकती हूँ, लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैशियस आयंस. दोबारा सुनो, लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैशियस आयंस. या मैं बोल सकती हूं लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट गैशियस आयंस. उल्टा प्रोसेस, तो इधर रिलीज उधर रिक्वायर्ड, चलेगा हमेशा 1 मोल के लिए, और जिन आयन से वो बन रहा है या जिन आयन में वो टूट रहा है वो हमेशा गैशियस होंगे. क्या दिमाग में सवाल उठ रहा है, मैम वाई गैशियस उठ रहा है ना, वो तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा है, वाई गैशियस? क्योंकि बेटा इसकी डेफिनेशन याद करो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम. याद है, क्योंकि सॉलिड, तो अगर आपने सपोज सोडियम को सॉलिड स्टेट में ले लिया, तो सॉलिड में तो एटम्स क्या होते हैं, बहुत पास पास,
ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, बहुत पास पास रहेंगे ना, सब तरफ एटम ही एटम है, तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से तो अट्रैक्ट हो ही रहा होगा, बाकी कितने सारे और न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो सॉलिड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इसके गैशियस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि गैशियस स्टेट में एटम बहुत दूर दूर हो गए, दूर दूर होने से ये आजू बाजू वाला फर्क सारा खत्म हो गया। अब एनर्जी दोगे और इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लोगे, इसीलिए हमेशा ये चलेगी स्टेट। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? नहीं आया समझ में, क्यों गैशियस? दोबारा समझाऊं? देखो देखो, ये जो चीज़ है ये मतलब बहुत बेसिक है कि इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? मेटल्स करते हैं ना, मेटल्स इलेक्ट्रॉन इन जनरल लूज करते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? गेन करते हैं। यानी ये जो आयनिक बॉन्ड है किसके बीच में बन रहा है? एक मेटल एटम के बीच में और एक नॉन मेटल एटम के बीच में, है ना। तो मेटल तो हमेशा कैसे होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, मेटल आर सॉलिड, राइट। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये कैसी है? सॉलिड है। पर सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉलिड में एक एटम बहुत सारे और एटम से घिरा हुआ होता है। एक एटम, सारे एटम बहुत पास पास है सॉलिड स्टेट में, यस। तो एटम में से, इस सॉलिड एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है? बहुत मुश्किल। इसलिए मैं पहले इसको किस में कन्वर्ट करूंगी? इसकी गैशियस स्टेट में, जहां पर सारे एटम क्या हो चुके होंगे? दूर दूर, एक का दूसरे पर फर्क लगभग क्या हो चुका होगा? खत्म। इसलिए हम बोलते हैं आइसोलेटेड गैशियस एटम, कि वो लगभग क्या हो चुका है? आइसोलेट हो चुका है, उस पर बाकी का फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। अब इसको जो एनर्जी इसकी आईई दोगे और आईई मिलते ही अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकाल देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला प्रोसेस चल रहा है ये किस फॉर्म में चल रहा है? ये गैशियस स्टेट में चल रहा है। तो यहां पर भी क्या स्टेट चल रही होगी? गैशियस। आपने ए को पहले क्या किया? ए सॉलिड था, उसको ए गैशियस में कन्वर्ट किया और फिर उसको आईई दी, वो फिर ए प्लस में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पर भी स्टेट क्या चलेगी? गैशियस ही चलेगी ना। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये वाला प्रोसेस डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो पहले ए सॉलिड कन्वर्ट होगा ए गैशियस में, इसको दोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो क्योंकि ये गैशियस है ये भी गैशियस बनेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? श्योर? लिख लें इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन इफिनिटी के केस में रिलीज और रिक्वायर्ड दोनों हो सकती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिलीज होती है। बेटा ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी पीरियोडिक में। अगर पहला इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियस खींच रहा है ना उसको। तो जैसे सपोज एक्स है, एक्स के अंदर न्यूक्लियस है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया बहुत इजीली, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये एक्स माइनस बन गया और एनर्जी रिलीज हुई। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ये गेन करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव बन चुका है, अब रिपल्शन चल रहा होगा, तो अब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। याद आ गया? तीसरे इलेक्ट्रॉन के केस में भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब लिख लिए लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो। लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, व्हेन वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, when one mole of ionic compound is formed from its constituent gaseous ions, amount of energy released when one mole of ionic compound is formed from its constituent gaseous ions. constituent ka matlab jo iske andar present hai, constituent गैशियस आयंस। और करके लिखो, और इंग्लिश वाला और है ना, और लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन
वन मोल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड व्हेन वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन व्हेन वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट गैशियस आयन्स व्हेन वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट गैशियस आयन्स क्लियर है ठीक अब सोच के बताओ ये लैटिस एंथैल्पी किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही होगी भाई किसी की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी किसी की लैटिस एंथैल्पी कम होगी सबकी बराबर तो नहीं होगी सारे कंपाउंड्स अलग अलग हैं सारे हैं आयनिक है ना प्रोसेस बनने का सेम है प्लस और माइनस से बन रहे हैं लेकिन फिर भी किसी की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी किसी की लैटिस एंथैल्पी कम तो किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है उसकी लैटिस एंथैल्पी कम होगी ठीक है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी बताया था एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यही तो है ना तो ये जो लैटिस एंथैल्पी है यानी हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ लैटिस एंथैल्पी तो ये जो लैटिस एंथैल्पी है दिस इज व्हाट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी रिलीज भी ज्यादा होगी और रिक्वायर्ड भी ज्यादा होगी है ना और ये बात मत भूलना कभी भी पहले ही बता चुकी हूँ जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसका साइन क्या चलता है नेगेटिव जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसका साइन क्या चलता है पॉजिटिव राइट तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी लैटिस एंथैल्पी और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर पढ़ा है ना फिजिक्स में कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और उनके बीच का डिस्टेंस आर है ये क्यू वन है और ये क्यू टू है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ कोलंबिक फोर्स चल रहा है हो सकता है ये लाइक चार्जेस हो तो रिपल्सिव फोर्स चलेगा हो सकता है ये अनलाइक चार्जेस हो तो अट्रैक्टिव फोर्स चलेगा पर जो फोर्स चलेगा कोलंबिक फोर्स दैट इज गिवन बाय के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के इज कोलंबिक कांस्टेंट है ना वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्योंकि मीडियम पर भी तो डिपेंड करता है उन चार्जेस का इंटरैक्शन कैसा रहेगा एयर में रखोगे अलग होगा वैक्यूम में रखोगे अलग होगा पानी में रखोगे अलग होगा तो ये एफ अलग चलेगा तो ये तो कांस्टेंट है हमारे लिए क्या है ये कांस्टेंट ठीक है ये अलग अलग हैं हो सकता है ये प्लस वन ये माइनस वन हो सकता है ये प्लस वन ये माइनस टू हो अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं ये आर भी क्या होगा अलग अलग होगा हो सकता है चार्जेस पास में रखे हो सकता है चार्जेस दूर रखे हो तो ये क्यू वाला फैक्टर और आर वाला फैक्टर क्या है वेरिएबल और इसी पर ही कौन डिपेंड करेगा एफ जितना क्यू वन क्यू टू होंगे उतना ज्यादा एफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना ज्यादा आर होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज उन्हीं दो फैक्टर्स पर लैटिस एंथैल्पी भी डिपेंड करेगी आर यू गेटिंग दिस